नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह, बोल्ड स्काई में आपका स्वागत है। वायरस से अब पूरा भारत भी सहम गया है, पूरा देश लॉकडाउन है। वायरस अब देश के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। भारत में 10 जगहों को पहचान इस वायरस के हॉटस्पॉट के रूप में की गई है। 4 प्रदेशों में 2-2 हॉटस्पॉट है। आइए जानते हैं हमारे देश में इस वायरस के 10 हॉटस्पॉट कहाँ है, कौन से है ये शहर जहाँ पर इस वायरस ने अपना गढ़ बना लिया है। निजामुद्दीन स्थित तबलीगी जमात दिल्ली, बता दें कि यहाँ पे भारी संख्या में इस वायरस के पेशेंट्स पाए गए हैं। दिलशाद गार्डन दिल्ली, बता दें यहाँ पे एक पेशेंट मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर से मिली थी। महिला से डॉक्टर को वायरस मिला, उसके बाद डॉक्टर ने करीब 100 से ज्यादा लोगों को इस वायरस की चपेट में लिया है। ऐसे करीब 900 लोगों को क्वारंटीन किया गया है। नोएडा उत्तर प्रदेश, नोएडा में अब तक कुल 37 लोग इस वायरस से संक्रमित पाए गए हैं। मेरठ उत्तर प्रदेश, बता दें कि 48 घंटों में मेरठ में इस वायरस के 19 मरीज पॉजिटिव मिले हैं। मुंबई महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में इस वायरस से संक्रमितों की संख्या 93 तक पहुंच गई है। पुणे महाराष्ट्र, पुणे में इस वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 200 के पार हो गई है। भीलवाड़ा राजस्थान, बता दें कि यहाँ पे भी इस वायरस के पॉजिटिव कुल 83 केस हैं, जिसमें 26 भीलवाड़ा से हैं। वहाँ पर 732 संदिग्धों को क्वारंटीन किया गया है। अहमदाबाद गुजरात, अहमदाबाद गुजरात, मरीजों की संख्या के नजरिए से देखें तो अहमदाबाद को हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित करने का कोई तुक नहीं है, लेकिन यहाँ 5 संक्रमित लोगों में से 3 की जान जा चुकी है। कासरगोड केरल, बता दें इस जिले में अब तक 165 से ज्यादा वायरस के पॉजिटिव केसों की पुष्टि हो चुकी है। पथनामथिट्टा केरल, यहां पर अब तक इस वायरस से कुल 12 लोग संक्रमित हुए हैं, वहीं 24 लोगों को क्वारंटीन में रखा गया है।